iPhone 13 वर्सेस Samsung Galaxy S22 सबसे तेज कंपैरिजन करेंगे और कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद वैसे आपको और कोई वीडियो देखनी है मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर, हेलो नमस्कार, मेरा नाम उदय, आप देख रहे हैं डिकोडिंग टेक, लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, सबसे पहले मेरे ओपिनियन पाए उससे पहले जो है हम लोग स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करेंगे दोनों फोन्स की, और अगर आपको स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी मालूम है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम स्टैम्प है ना, यहाँ जाकर आप सीधे सीधे मेरा ओपिनियन देख सकते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। और वैसे मैं बता दूं, ये Samsung Galaxy S22 की बात कर रहा हूँ, S22 Ultra नहीं है, S22 की बात हो रही है। बात करते हैं दोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो S22 में आपको मिल जाता है Snapdragon 8 Gen 1 और iPhone 13 में आपको देखने को मिल जाती है Apple की बायोनिक चिप, कौन सी, A15 बायोनिक चिप, 8 Gen 1 बना हुआ है आपका 4 नैनोमीटर्स पर, Apple की जो बायोनिक चिप है A15 वो बनी हुई है 5 नैनोमीटर्स पर। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि जानी फोन तो तुम डिस्प्ले के थ्रू ही चलाओगे ना। तो डिस्प्ले आपको S22 में मिल जाता है 6.1 इंचेस का एक डायनामिक AMOLED डिस्प्ले, जबकि iPhone 13 में आपको मिल जाता है 6.1 इंचेस का OLED डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट्स देखिए 50-50 का फर्क है, 120 हर्ट्ज आपको मिल जाता है S22 में, जबकि 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है आपको iPhone 13 में। कैमरे सेटअप की बात करते हैं तो S22 में आपको मिल जाते हैं 3 कैमरा पीछे, 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल, जबकि iPhone 2 कैमरे से सारे काम कर ले रहा है, 12 प्लस 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरा आपको iPhone में मिल जाते हैं iPhone 13। फ्रंट कैमरा S22 में आपको मिल जाता है 10 मेगापिक्सल का, iPhone 13 में मिल जाता है 10+2 यानी कि 12 मेगापिक्सल का। ए भाई, 10+2 मतलब दो कैमरा नहीं है, एक ही कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, नहीं वो क्या है, गलती से मिसकम्युनिकेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। बात करते हैं बैटरी के बारे में, बैटरी के बारे में बात करें तो S22 में आपको मिल जाती है 3700 mAh की बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जबकि iPhone 13 में आपको थर्ड पार्टी सोर्स से बता रहा हूँ भाई 3227 mAh की बैटरी मिलती है 20 वॉट्स की मैक्स फास्ट चार्जिंग के साथ। iPhone 13 की प्राइसिंग की अगर बात करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 65-66,000 के आसपास मिलता है, जबकि S22 आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 58,000 के आसपास मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि भैया 7-8,000 रुपए का दोनों में फर्क है, सिंपल। यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि अपन ऐसा ना अनबॉक्सिंग वाला कंटेंट भी लेकर आ सकें आपके लिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए फिर हमारे ओपिनियन पर आते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, है कि नहीं, मुद्दे की बात तो यही है ना कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। देखिए मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ, परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप इन दोनों फोन्स में कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाई देखिए मैं बोलूंगा, अगर आपको जनरल परफॉर्मेंस करनी है, गेमिंग की बता रहा हूं मैं, अगर आपको गेमिंग एक आध घंटा ऐसी करनी है ऑन एंड ऑफ, तो मैं बोलूंगा Samsung S22 सही रहेगा, परफॉर्मेंस बराबर संभाल लेता है वो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हार्ड कोर गेमिंग करनी है, फुल ऑन गेमिंग करनी है, एकदम मतलब पीक परफॉर्मेंस पे करना है, तो मैं बोलूंगा iPhone 13 ले लीजिए आप। फोटोज और वीडियोस के मामले में बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन जमेगा इन दोनों में, तो कैमरा देखिए ऐसा है कि दोनों का बराबर बढ़िया मतलब जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद परफॉर्म करता है। अगर Samsung S22 19 है तो iPhone 13 20 भी नहीं 19.5 है, इतना ब्लीक डिफरेंस है, मतलब आप दोनों की इमेजेस रख दोगे ना, पकड़ में ही नहीं आता है कि भाई कौन सी इमेज कौन से फोन की है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन 19.5 तो 19.5 भाई, iPhone 13 जो है हल्का सा बेटर है इन कंपैरिजन टू Samsung S22। सो हाँ, अगर आप कैमरे के मामले में फोन ढूंढ रहे तो iPhone 13 ले लीजिए आंख बंद करके। अब हम लोग बात करते हैं जनरल पर्पस के लिए, कि अगर आपको जैसे जनरल पर्पस के लिए फोन ढूंढ रहे हैं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, है कि नहीं। इमेजिन कीजिए कोई रॉकेट है, वो मार्स तक जा सकता है, ठीक है, तो भाई वो मार्स तक जो रॉकेट जा रहा है वो चांद तक तो चले ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो वैसे ही ये दोनों फोन्स इतने फ्लैगशिप लेवल के फोन्स हैं कि ये भारी भारी काम कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस मतलब जैसे कि नॉर्मल इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, फोटोज वीडियोज लेना, थोड़ी बहुत गेमिंग वेमिंग थोड़ी बहुत कर लेना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना है, बैलेंस डाइट लेनी है आपको अपने फोन से, तो भाई देखिए ये काम तो ये दोनों ही फोन ऐसे कर लेंगे, मतलब इनके लिए ऐसे इतना भी नहीं है। शॉर्ट में अगर बोलें तो दोनों में कोई भी ले लीजिए, कौन सा ब्रांड आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, किसका UI ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, उसके बेसिस पर आप देख लीजिए आपको कौन सा फोन ज्यादा सही लग रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूंगा मैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे हम, मतलब मैं। बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेव सॉइल सेव द प्लैनेट एंड बाय बाय।